नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है जिला फैजाबाद अयोध्या के थाना महाराजगंज के गांव अलमापुर मोहम्मदपुर कस्बा निवासी जयराज चौहान की पुत्री रूमा चौहान को कुछ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद चाकू से पूरे शरीर पर वार करके और तेजाब छिड़क कर हत्या कर दिए। सूत्रों के हवाले पता चला कि उपरोक्त घटना के बारे में जब न्यूज 9 भारत की टीम ने जब इसके बारे में जानकारी हासिल किया तो बताया गया कि बाल गोपाल यादव, विनोद यादव व बल्लू यादव इन घटना को अंजाम दिया है, जिसको सुनने के बाद हर लोगों का कलेजा कांप जा रहा है। और पीड़ितों के भाई का कहना है कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कि मेरा मन बहुत दुखी है। मैं चाहता हूं कि बहन को न्याय मिल जाए, इसलिए मैं योगी सरकार से अपील करता हूं कि दोषियों के खिलाफ अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए और मेरी बहन के आत्मा को शांति मिले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शब्द भेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौहान ने मृतक रूमा चौहान के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए शासन प्रशासन से आग्रह करते हुए योगी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतका के भाई ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। न्यूज 9 भारत के लिए आशीष कुमार निषाद की खास रिपोर्ट। तारीख के शाम 6 बजे मेरी बहन गई थी खेत में लकड़ी लेने, वहाँ से उसका अपहरण हुआ और उसको मार दिया गया। 7 तारीख की उसकी लाश मिली, उसके साथ लाश को चाकू मार के और गला दबाकर तेजाब सर मुँह पे डाल दिया था। लाश बिल्कुल पहचाने योग्य नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कपड़ा और चूड़ी के सहारे पहचाना था। और मारने वाले का नाम बाल गोपाल यादव और विनोद यादव और बल्लू यादव। स्वयं कबूला? पिता हनुमान यादव, बाल गोपाल ने स्वयं जुर्म कबूल किया। बहन का नाम बताओ? बहन का नाम मेरी रूमा चौहान। उसकी उम्र बता दो। उसकी उम्र 13 साल। अपने गांव का नाम लो। गांव अजमापुर मोहम्मदपुर कस्बा पोस्ट बिहारी जिला अयोध्या फैजाबाद। थाना? थाना महाराजगंज। तहसील? तहसील फैजाबाद। किस क्लास में पढ़ती थी तुम्हारी बहन? मेरी बहन 7 क्लास में पढ़ती थी, अब 7वीं में थी। चलो आपसे बोलिए। हमको न्याय चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए भैया, बस।